मैं तो हैरान हूं कि ये लोग झूठ बोलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताते हैं, कोशिश कर रहे, कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हक छीन ले लेंगे। अरे झूठ फैलने से पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो भाई। एक ही पार्लियामेंट के सत्र में मोदी गरीबों को घर देने का कानून लाता है, अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाने के लिए काम करता है, क्या उसी सत्र में गरीबों को छीनने की बात करेगा? क्या झूठ फैला कर रखा है? भाइयों बहनों, ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं, किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के धार्मिक कारणों से परेशानी जो हुई, प्रताड़ना जो हुई, उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए ये कानून है। भाइयों और बहनों, ये वो लोग हैं। और ये कौन लोग हैं? मैं हैरान हूं, कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें घुस गए हैं। जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरणार्थी आए हैं वो मेरे दलित भाई बहन हैं, दलित परिवार के हैं। भाइयों बहनों, ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। आज भी पाकिस्तान में उनके साथ स्थिति यह है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसको चाय के साथ साथ उस चाय के बर्तन का पैसा भी देना पड़ता है और बर्तन साथ ले जाना होता है। आज भी पाकिस्तान में यह हाल है। वहां पर बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है, किस तरह जबरन शादी करके उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है, ये भी दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है, लगातार मीडिया में आता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी श्रद्धा अलग है, आस्था अलग है, पूजा पद्धति अलग है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुए ऐसे ही शोषण के कारण वो भारत आए और बरसों से हमारे बीच देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। भाइयों बहनों, एक ऐसी चर्चा है, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, अगर हिंदुस्तान के राजनीतिक नेताओं को अपनी स्वार्थ निजी राजनीति से दूर का दिखता, ये ऐसा मौका था हम दुनिया में पाकिस्तान कैसे मानव अधिकार विरोधी है, पाकिस्तान कैसे माइनॉरिटी पर जुल्म करता है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या दुर्दशा है, ये चित्र पूरी दुनिया में ले जाने का उत्तम अवसर था। लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, क्योंकि उनको देश नहीं, उनको उनका दल दिखता है। इसके कारण देश की भलाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के करतूतों को खुला करने का मौका भी इन लोगों ने गवा दिया। और मैंने पहले कहा, उस प्रकार से मैं दलित राजनीति करने वालों का दावा जो करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों चुप क्यों थे? आपको इन दलितों की तकलीफ
कभी क्यों नहीं दिखाई दी? आज जब इन दलितों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर आपके पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं? साथियों, यहां दिल्ली में ही मजनू का टीला में दो हफ्ते पहले ही ऐसे ही एक शरणार्थी के कैंप में एक बिटिया का जन्म हुआ और उसके मां बाप ने उस बेटिया का नाम नागरिकता रख लिया, नागरिकता। मैं जरा ये हुड़दंग मचाने वालों से और उनके पीछे रिमोट कंट्रोल से राजनीति करने वालों से कहना चाहता हूं, अगर इस नागरिकता नाम की बेटी का जीवन आसान होता है, अगर उसके मां बाप की जिंदगी आसान होती है, अगर भारत के किसी भी नागरिक की समस्याओं का समाधान होता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? देश में दशकों से रह रहे लाखों गरीबों, सताए हुए, शोषित दलित परिवार जो उत्पीड़ना के कारण उनको भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, मुसीबत के मारे आए हैं, अपना धर्म, अपना सम्मान, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए हैं, मैं जरा इन लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको उनसे दुश्मनी क्या है? साथियों, रिफ्यूजी का जीवन क्या होता? बिना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है? ये दिल्ली से बेहतर कौन समझ सकता है? यहां का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां बंटवारे के बाद किसी रिफ्यूजी का, बंटवारे से अल्पसंख्यक बने भारतीय का आंसू न गिरा हो। सड़क पर हो रहा ये का बवाल उनके आंसुओं का अपमान है या नहीं है? उनके दर्द पे तेजाब छिड़कने वाला पाप है कि नहीं है? साथियों, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे तीन पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक दो अत्याचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है, और ये रियायत भी मोदी की सोच है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, ये रातों रात मोदी को विचार आ गया इसलिए मोदी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये रियायत महात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है। महात्मा गांधी ने कहा था कम से कम ये लोग जो महात्मा गांधी को लेकर के देश पर बातें करते रहे हैं और आज भी गांधी सरनेम का फायदा उठाने की बातें करते हैं, जरा वो कान खोल करके सुन लो। गांधी जी ने कहा था मोदी को मानो या ना मानो, अरे गांधी को तो मानो। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे
कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य महात्मा गांधी कह रहे हैं। भाइयों बहनों, ये छूट रियायत तब की भारत की सरकार के वादे के मुताबिक है जो बंटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतीयों के साथ आज से 70 साल पहले जो वादा किया गया था उस वादे को हम निभा रहे हैं। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।